यस सर, माय एज इज 28 इयर्स एंड माय बॉडी वेट इज 84. राइट. एक्चुअली मुझे पास्ट में फिस्टुला हुआ था, फिस्टुला इन एनो, उसकी मैंने सर्जरी करवा ली, बट सर्जरी के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, दोबारा से वो हो गया. तो इसका क्योर चाहिए और मुझे एक एलोपेशिया है हेयर्स पे, पीछे एक पैच है उसमें से हेयर्स ही नहीं है. आई एम करंटली फॉलोइंग डीआईपी डाइट प्लस खादर वली सर डाइट. ओके, देखिए ये तो अच्छी बात है कि डीआईपी डाइट फॉलो कर रहे हैं, ऊपर से आप एक भी शायद मिलेट्स ले रहे होंगे जी, तो दैट इज समथिंग वेरी गुड. अब इसमें फिस्टुला है, इसके लिए 2 हफ्ता जी, फॉर 3 वीक्स यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. याद रखिए, सबके लिए मैं बोलता हूँ कि जो लोग सर्जरी कराते हैं तो वो बार बार आएगा ही आएगा, ये रेकरिंग होता रहेगा और आगे एग्रेवेट भी करेगा. तो सर्जरी कैन नॉट बी अ सोल्यूशन, सर्जरी सिर्फ एक तरीका है उसको और तेजी से बढ़ाने का. इसीलिए सर्जरी खैर एक बार करा ली आपने, दोबारा मत कराइए, और जिन्होंने कभी नहीं कराया वो कभी ना कराए. तो सोल्यूशन ये है कि 3 हफ्ता 3 वीक्स के लिए डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2. मैं जानता हूं थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 अगर कोई 3 वीक्स तक कर ले तो फिस्टूला हो या पाइल्स हो या पॉलिप्स हो या इंटरनल सिस्ट हो, इस तरह की जो भयंकर चीजें हैं जिसके लिए सर्जरी कराते हैं और तब भी दोबारा दोबारा हो जाता है, 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन 3 हफ्ते में गायब हो जाएगा ये पक्का है, और वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है. लेकिन 3 हफ्ते के लिए डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2, डीआईपी डाइट में से कुक्ड फूड हटाना और वो बिना कुक्ड फूड के 3 वीक रहना, मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आपने ये नहीं किया तो उसके बाद जितनी सफरिंग है जीवन भर वो बहुत ज्यादा सफरिंग है. तो एक तरह से तराजू ले लीजिए, तराजू में एक तरफ तो ये है कि 3 हफ्ते में आप ठीक हो जाने वाले हैं, और दूसरी तरफ यह है कि आप जीवन भर ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप कुक फूड रोज खाना चाहते हैं. तो 21 दिन अगर कुक फूड बंद कर सकते हैं, सिर्फ डीआईपी डाइट माइनस प्लेट 2 कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन परमानेंट मिल जाएगा, पहली बात. दूसरी बात, अगर आपने बोला एक पैच है, अभी उस पैच में क्या कीजिए, अभी विंटर का मौसम है, अभी कर सकते हैं, समर में नहीं कर पाएंगे. गेहूं के ज्वारे, वीट ग्रास बोलते हैं इंग्लिश में, गेहूं के ज्वारे ग्रो कीजिए अपने घर में, क्योंकि ये दुकान में नहीं मिलता सब्जी के बाजार में, और उससे 10वें से 15वें दिन के बीच में जो ग्रो होता है, इतना ग्रो हो जाएगा, करीब 1 फीट से ऊपर ग्रो हो जाएगा, 1 फीट से ज्यादा, तब जड़ से नहीं काटिए, ऊपर से काटिए थोड़ा सा, मतलब उखाड़िए नहीं, काटिए उसको, और उस ग्रास को, गेहूं के ज्वारे को जूस निकालिए. जूस निकालने के लिए कोल्ड प्रेस जूसर से जूस निकलेगा, या फिर लेक्सन करके एक जूसर आता है उससे जूस निकलेगा, या आप कूट भी सकते हैं, कूटेंगे फिर निचोड़ेंगे जूस निकल जाएगा. 25 ml जूस निकाल के आप वहां पे ऐसे लगाइए, लगा के रखिए ओवरनाइट, राइट, रात भर रखिए, फिर सुबह नहा लीजिए, हट जाएगा. ऐसे आप करेंगे 3 महीना कीजिए, 3 महीना करेंगे तो वो पैच है वो चला जाएगा, ऐसा उसका रिजल्ट रहा है. 3 महीना करना होता है, वैसे भी अभी 3 महीने ही, फरवरी मार्च तक ही गेहूं के ज्वारे आप उगा पाएंगे, उसका उगा भी नहीं पाएंगे, तो इसको कीजिए. तो और जब गेहूं के ज्वारे आप उगा ही रहे हैं, उसका जूस निकाल ही रहे हैं, तो हो सके तो 25 ml से 50 ml के बीच में, मतलब छोटा सा एक हिस्सा उसका पी भी लीजिए. उसको पिएंगे तो बॉडी में बहुत सारी चीजों को ठीक करता है वो, और वैसे भी फिस्टूला वगैरह में भी ये बड़े ही कारगर चीज है. तो यानी कि एक तीर से 2 निशाने, डीएपी डाइट आप ले ही रहे थे, साथ में गेहूं के ज्वारे का जूस भी लेना शुरू कर दीजिए 3 महीने के लिए सिर्फ, और साथ में 3 हफ्ते के लिए माइनस प्लेट 2 कर लीजिए. तो बाकी जो लोग सुन रहे हैं, या किसी को अगर पाइल्स है या पॉलिप्स है या सिस्ट है, उनके लिए भी रूल सेम है. कोई भी सिस्ट हो, कोई भी पॉलिप्स हो, कोई भी पाइल्स हो, कितना भी बड़ा क्यों ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत भयंकर है ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो वो 3 हफ्ता, और अगर उससे कम भयंकर है तो 2 हफ्ता, लेकिन आप 3 ही हफ्ता कर लीजिए, उससे कंजूसी ना करते हुए 3 वीक्स यू डू इट, ताकि हमेशा के लिए छुट्टी हो गई. थैंक यू.